ऐसा कोई थ्रेट आया और वो डरा हूँ। भारत में दिक्कत हो तो दुबई शिफ्ट हो जाओ, गैंगस्टर से धमकी मिले तो दुबई शिफ्ट हो जाओ। जिन सितारों की फैन फॉलोइंग भारत में ज़्यादा है, भारत से उन्हें भरपूर प्यार मिलता है, वो ही सितारे भारत में नहीं रह पा रहे हैं। बॉलीवुड रैपर्स यो यो हनी सिंह और बादशाह ने इसी को लेकर अब बड़ा खुलासा किया है। हाल फिलहाल में जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि वो भारत से ज़्यादा समय दुबई में रहते हैं। कहा गया कि दुबई में काफ़ी शांति है और पीसफुल जगह है। उनके दुबई में रहने की एक बड़ी वजह, भारत में रहते हुए उन्हें जो माफियाओं और गैंगस्टर से धमकियां मिल रही थी वो बताई गई। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार दुबई में इन सेलिब्रिटीज़ को ऐसी क्या सुविधा मिल जाती है कि उन्हें दुबई सेफ महसूस कराती है। जानने वाली बात यह भी है कि क्या दुबई शिफ्ट होने से सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बॉलीवुड रैपर हनी सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक्टिव मेंबर गोल्डी बरार से धमकी मिल चुकी है। वहीं बादशाह के मुताबिक उन्हें भी पंजाब और पंजाब से जुड़े गैंगस्टर से धमकियां मिल चुकी हैं। धमकी देने का मकसद पैसों की वसूली यानी एक्सटॉर्शन था। हालातों को देखते हुए इन्हें भारत में हमेशा भारी सुरक्षा यानी पुलिस और पर्सनल बॉडीगार्ड्स के साथ चलना पड़ता था। इसी सिलसिले में जो तमाम दिक्कतें आती थीं और जो आ सकती थी उनसे बचने के लिए इन्होंने दुबई में घर खरीद लिए। अब देखिए, जो चीज़ इन सेलेब्स को दुबई में सेफ महसूस कराती है वो दुबई का कानून ही है। भारत के मुकाबले दुबई में छोटी से छोटी गलती की बड़ी सज़ा मिलती है। कानून का खौफ ही ऐसा है कि कोई धमकी देने से पहले भी, दूसरे से ऊंची आवाज़ में बोलने से पहले भी 10 बार सोचता है। और ये मैसेज कहने को नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा होता भी है। दुबई में ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ ऐसी सज़ा मिली भी है। अगर आप पब्लिक प्लेस पर किसी पर चलाते हैं या उसे गाली देते हैं तो आपको 2 महीने की सज़ा या 1,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है। 1,000 दिरहम यानी भारत के करीब 23,000 रुपये हैं। जुर्माना भी इतना ज़्यादा है कि गलती दोबारा ना होगी। दुबई के कानून कितने सख्त हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि वहाँ आप व्हाट्सएप पर भी किसी को गाली नहीं दे सकते। अगर सामने वाला चाहे तो इसके लिए आपको साइबर लॉ के तहत जेल भिजवा सकता है और इसके लिए आप पर 5 लाख दिरहम का यानी 1,14,00,000 से भी ज़्यादा का जुर्माना आप पर लग सकता है। दुबई में अब कोई क्राइम होता भी है तो वो जुर्माने के लेवल पर निपट जाता है। कुछ कानून ऐसे भी हैं जो वैसे तो सभी लोगों के लिए है लेकिन दुबई पहुँचे सेलेब्स के ज़्यादा काम आते हैं। दुबई में आप किसी से भी बिना पूछे उनकी फ़ोटो नहीं खींच सकते। अगर आप सेल्फी भी ले रहे हैं तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके पीछे कोई दिख जाता है, कोई शख्स दिख जाता है तो उससे भी आपको परमिशन लेनी होगी। ऐसी फ़ोटो अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और किसी को दिक्कत होती है तो भी साइबर लॉ के तहत आप पर केस हो सकता है। अगर किसी के कंसेंट के बिना फ़ोटो खींची जाए तो इसके लिए आपको 6 महीने की जेल या 1,00,00,000 से ज़्यादा का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात UAE की दंड संहिता के मुताबिक 3 तरह के अपराध हैं और इन अपराधों की 3 तरह की सज़ाएं मिलनी चाहिए। 3 तरह के अपराध की बात करें तो ये हैं कॉन्ट्रावेंशन, मिसडिमीनर एंड फेलनी। कॉन्ट्रावेंशन यानी उल्लंघन करना, मिसडिमीनर यानी बदतमीजी करना और फेलनी यानी जघन्य अपराध। इन्हीं 3 अपराधों के तहत 3 कैटेगरी की सज़ा की बात की गई है। 3 सज़ाएँ हैं, जुर्माना, जेल की सज़ा या फिर सज़ा ए मौत। UAE में डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा कई वजहों से दी जा सकती है। इनमें देशद्रोह, जासूसी करना, प्लानिंग के साथ हत्या करना, किसी को सुसाइड के लिए उकसाना, चोरी और चोरी के दौरान किसी की हत्या करना, मारपीट करके किसी की हत्या करना, नाबालिग के साथ रेप, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके अलावा और भी कई वजहों से तुरंत मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि दुबई में मौत की सज़ा लेटेस्ट 2017 तक सुनाई गई थी। कानूनी प्रक्रिया में अभी भी सज़ाए मौत का प्रावधान है लेकिन कानून का डर ही ऐसा बैठा है कि उसके बाद किसी को मौत की सज़ा देने की नौबत ही नहीं आई। आज अगर सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि वो दुबई में सेफ हैं तो इसकी एक बड़ी वजह है, भारत के मुकाबले उन्हें विदेश में कम फैंस मिलते हैं। ऐसे में जो पास आते भी हैं तो उनसे खतरा कम रहता है। दुबई का कानून और वहाँ की सिक्योरिटी इतनी पुख्ता हो चुकी है कि क्राइम की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो गई है। जानने वाली बात यह भी है कि दुबई में रहते हुए सेलेब्स को टैक्स बचाने का भी मौका मिल जाता है। विदेश में शूटिंग करने के लिए दुबई सरकार छूट देती है, कई बार शूटिंग के लिए बुलाती भी है और सामने से पैसे देती है। ज़्यादातर बॉलीवुड सेलेब्स ने दुबई में घर खरीद लिए हैं। बताया जाता है कि उनके वहाँ पर खुद के डिस्को हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिनसे वो पैसे कमाते हैं। बाकियों ने भी स्टार्टअप्स में निवेश करके या बड़ी कंपनियों में निवेश करके बढ़िया प्रॉफिट कमा रखा है। जाते जाते ये भी बता दें कि अब देखिए, दुबई में तमाम सुख सुविधाएँ होंगी। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि यो हनी सिंह और बादशाह जैसे बड़े सितारों को अंत में अपने गाने बेचने के लिए भारत ही आना पड़ता है। जहाँ उनकी मार्केट है, जहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जहाँ उनकी ऑडियंस है, वहाँ तक उन्हें पहुँचना ही पड़ता है। जहाँ इन्हें पहचाना जाता है उनसे दूर नहीं रह जा सकता। गाना हिट करना है तो भारत में रहना ही पड़ेगा। सेलेब्स और दुबई के बीच बने रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।